हेलो, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। हम लोग आज बैंक लिमिटेड और निफ्टी को एनालाइज करेंगे, वाई चेक करेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल चेक करेंगे, साथ ही साथ मैक्स पेन और पीसीआर को भी देखेंगे और चेक करेंगे कि ये सब डेटा क्या कह रहे हैं आखिरकार बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। शुरुआत हम लोग बैंक निफ्टी से करेंगे और सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस को चेक करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस है आपका 22,882.60 और ये 22 जुलाई को क्लोजिंग हुआ है और हम लोग 23 जुलाई एक्सपायरी की बात कर रहे हैं जो कि कल है, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग रेंज देखेंगे बैंक निफ्टी का। ट्रेडिंग रेंज आपका हाईएस्ट रेंज आपका होता है, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच का जो रेंज होता है वो आपका ट्रेडिंग रेंज होता है। बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं कि जो हाईएस्ट कॉल होता है वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है और जो हाईएस्ट पुट है आपका हाईएस्ट सपोर्ट के जैसा बिहेव करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ रेसिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें यहाँ पे 685,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट इस जगह पे है, दैट मीन 685,000 शेयर का हमें रेसिस्टेंस मिलेगा कहाँ पे, 23,000 के लेवल पे। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 637,000 शेयर का रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है 23,500 पे। तो ये हम लोगों के लिए फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा और ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो। और एक और चीज़ अगर देखें तो इस जगह पे हमें करीब 248,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है तो यह इमीडिएट रेसिस्टेंस का जैसा बिहेव कर सकता है, काम कर सकता है। और चीज़ एक देखें कि इस जगह हमें करीब 123,000 शेयर्स का अनवाइंडिंग देखने को मिली है 23,000 पे और साथ ही साथ 119,000 का एडिशन हम लोग देखने को मिल रहा है 23,200 पे। तो ये अनवाइंडिंग एक तरह से बताता है कि शायद गैप अप ओपनिंग हमें मिल जाए लेकिन हायर लेवल पे हमें इधर रेसिस्टेंस है तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ये डेटा अभी तक का बता रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं कि हाईएस्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिलने वाला है अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है। तो देखिए अगर हम लोग इस बात को देखें और यहाँ पे देखें करीब 794,000 शेयर इस जगह पे हैं 22,000 पे, तो यह हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा 22,000 का लेवल। और साथ ही साथ एडिशन आप देखिए 141,000 शेयर का एडिशन हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। और इस जगह देखें तो 7,00,000 शेयर यहाँ भी खड़े हैं 22,500 पे और एडिशन की बात करें तो 2,32,000 शेयर्स का एडिशन है। तो कह सकते हैं 22,500 भी एक काफ़ी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो हमें इमीडिएट सपोर्ट इस जगह मिल सकता है आपका 277,000 शेयर्स यहाँ पे हैं 22,700 पे और जिसमें एडिशन है 113,000 शेयर का। तो ये हमारा एक तरह से इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। एक और चीज़ देखें, हम इधर देख रहे हैं, इधर हम लोग कॉल राइटर्स को देख रहे हैं तो एक तरह से ये बता रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, एक रेंज में कल बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। और आज देखते हैं ये नेट चेंज बता रहा है कि कॉल राइटर्स भी थे बैंक निफ्टी पे और पुट राइटर्स भी थे, इसके वजह से हमें बैंक निफ्टी को एक रेंज में देखा है आज और यह रेंज कल भी कंटिन्यू हो सकता है, ये डेटा के हिसाब से निकल के सामने आ रहा है। और रेंज की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक का रेंज हो सकता है बैंक निफ्टी का, तो आपका रेंज जो निकल के आ रहा है वो हम लोग कह सकते हैं 22,500 से लेके 23,500 का ये रेंज निकल के आ रहा है जिसमें पाइवट लेवल हम लोग 22,800 को लेंगे, 22,800 का स्ट्राइक को पाइवट लेवल लेंगे जहाँ पे 248,000 शेयर आपको कॉल साइड में मिलेंगे और 196,000 शेयर आपको पुट साइड में मिलेंगे। तो यह आपका पाइवट स्ट्राइक है, इसके ऊपर
आपको 23,000-23,500 के लेवल देखने को मिलेंगे। इसके नीचे 22,500 और यह अगर डिसेसिवली ब्रेक करता है निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमें 22,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। इसके बाद हम लोग पीसीआर देखेंगे, मैक्स पेन देखेंगे आपका बैंक निफ्टी का। उसके पहले हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी का क्लोजिंग कितने पे है आज 22 जुलाई को। तो निफ्टी का क्लोजिंग आपका है 11,132.60 22 जुलाई को, और हम लोग फिर से 23 जुलाई मतलब कल की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो फिर से इसमें हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे। आपका ट्रेडिंग रेंज हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच का रेंज है, होता है जनरली। तो आइए सबसे पहले हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए हमें इस वाई कॉलम से गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कि यहाँ इस जगह पे 34 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है विद एडिशन ऑफ 7,32,000 शेयर 11,200 पे। तो यह हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमें इस जगह पे 28,37,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है विद एडिशन ऑफ आपका 6,85,000 शेयर्स आपके 11,300 पे। सो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करने वाला है, ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। ऊपर से अगर हम लोग इस लेवल को देखें 11,100 का, तो करीब 19 लाख शेयर यहाँ पे ऑलरेडी है विद एडिशन आपका 6.5 लाख शेयर्स। तो हम लोग कह सकते हैं ये इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये भी आपका 11,150 का लेवल आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि पुट एडिशन कहाँ पे और कितना है। तो इधर हम लोग देखेंगे कि करीब 37 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट आपका बना हुआ है 11,000 पे, और एडिशन भी करीब 6 लाख शेयर्स का हुआ है इस जगह पे। तो ये आपका कहाँ से ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट काम करेगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे 31 लाख शेयर्स हैं आपके 10,900 पे, और वहाँ पे एडिशन है करीब 2,81,000 शेयर्स का। तो ये हमारे लिए सेकेंड सपोर्ट का काम कर सकता है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर आए तो देखेंगे कि 24 लाख का शेयर ओपन इंटरेस्ट है आपके 11,100 पे, और एडिशन भी है 2,22,000 शेयर्स का। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो एक हम लोग रेंज की बात करें तो निफ्टी का रेंज कहाँ से कहाँ तक निकल के आ रहा है, तो 11,000 से लेके 11,300 का रेंज हमें दिख रहा है निफ्टी का। और आपका पाइवट लेवल है यहाँ पे 11,100 आपका पाइवट लेवल, क्योंकि इस जगह कॉल में भी करीब 20 लाख शेयर्स हैं और काफ़ी अच्छा एडिशन है, और पुट में भी करीब 24 लाख शेयर्स हैं और करीब 2,20,000 शेयर्स का एडिशन है। तो ये आपका पाइवट लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्राई करेगा कि 11,200 की तरफ भागे, उसके बाद डिसेसिवली 11,250 और उसके बाद 11,300 की तरफ भागे। एक चीज आप देखें, ये जो रेंज है आपको दिखेगा कि इस रेंज में ह्यूज कॉल राइटर्स अभी भी बने हुए हैं, और इधर भी एडिशन है, और इधर पुट राइटर्स बने हुए हैं और इधर भी एडिशन है। तो एक चीज़ यहाँ से भी निकल के आ रहा है कि निफ्टी आपको रेंज बाउंड मिलने वाली है, कल के सेशन में रेंज बाउंड मिलने वाली है निफ्टी। तो हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है, लोअर लेवल पे आपको खरीदारी करनी है। ये एक आपका स्ट्रेटजी हो सकता है इस निफ्टी में। और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है नेट चेंज। अगर नेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि कॉल राइटर्स इधर थे और इधर पुट राइटर्स भी थे। दैट मीन्स ओवरऑल निफ्टी क्या था आज, रेंज बाउंड था इसी की वजह से। हाँ, तो निफ्टी रेंज बाउंड था आज और कल भी रह सकता है। तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट पे एनालिसिस था निफ्टी का, और यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है कि निफ्टी रेंज बाउंड अभी दिख रही है।
तो उसके लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा। और अब हम लोग पीसीआर और मैक्स पेन चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग अपने ब्लॉक पे आएंगे और पीसीआर मैक्स पेन और ट्रेन साइकिल को भी चेक करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखिए मैक्स पेन अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन निफ्टी का आपका मैक्स पेन कांस्टेंट है, तो इस जगह से कुछ खास कुछ निकल के नहीं आ रहा है, रेंज ही कंसोलिडेशन ही बता रहे हैं ये। तो अगर पीसीआर की बात करें तो पीसीआर में थोड़ा कूलिंग ऑफ हुआ है निफ्टी के पीसीआर में, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर इंक्रीज हुआ है, तो अभी भी ये काफ़ी हाई है, पीसीआर अभी भी काफ़ी हाई है। तो ये बताता है कि एक करेक्शन कभी भी आ सकता है, मार्केट में एक करेक्शन कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको एक तैयारी करके रखनी पड़ेगी, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी पड़ेगी जब तक ले ये आपका सुटेबल रेंज में नहीं आ जाता। और आप बात करते हैं कि ट्रेन साइकिल का, तो आज देखें कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट हुआ है, निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रेन साइकिल है दोनों को मिलाकर अगर देखें, बैंक निफ्टी और निफ्टी को। तो अब बेहतर है कि रेंज बाउंड का मार्केट है, आपको प्रॉफिट बुक करने का समय मिलेगा, आप प्रॉफिट बुक करें, नीचे अगर बाई करने का समय मिलेगा स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, यही आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो इस ब्लॉग का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको बाद में आके चेक कर सकते हैं। ये आपका ओपन इंटरेस्ट और वाई का एनालिसिस था बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।